got it ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर तो क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एटीन आपके पुनीत के साथ तो बड़े अंतराल के बाद आपसे एक बार फिर से सोशल मीडिया पर मुलाकात हो रही है और इस बीच मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ उसकी खबर की चर्चा पूरी दुनिया में है यह तो आपको पता है कि ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया उसके बाद इसराइल बदला लेने की तैयारी में लगा है उधर हिजबुल्ला को पूरी तरह से ड्रेन आउट कहें या फिर न्यूट्रलाइज कहें इसे करने के लिए लेबनान पर आई अपनी कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रहा है आज की अगर बात की जाए तो 160 रॉकेट डाके गए हैं लेबनान में आई यानी कि इसराइल की तरफ से फिर ड्रोन अटैक से भी हमला हो रहा है और रॉकेट से भी हमला हो रहा है खुद बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि इसराइल सात मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है एक तरफ हमास है दूसरी तरफ होती हैं फिर हिजबुल्ला है लेबनान में इराक में मौजूद मिलिशिया के गुट हैं और उनके ज़रिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा ईरान भी है लेकिन अब नितिन या कहें कि इसराइल के सामने युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया ऐसा लगता है और वो है भेदियों से निपटने का दरअसल टेलीग्राम पर हाल में एक सीक्रेट प्लान लीक हुआ ये प्लान इसराइल की तरफ से ईरान पर लिए जाने वाले एक्शन से जुड़ा हुआ था अब ये प्लान क्या था क्या इसराइल ने कोई प्लान दूसरे देशों से साझा किया या फिर बात कुछ और है इसे यहाँ समझना बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ये टॉप सीक्रेट अमेरिकी इन्फॉर्मेशन थी जो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से तैयार की गई थी और इसीलिए ही अमेरिका में अब हड़कंप मचा हुआ है इतना हड़कंप मचा है कि पूछिए मत इस मामले से जुड़े या कहें परिचित लोगों में से एक ने दस्तावेज़ों की पुष्टि करने की भी बात कही है उधर सी ने एक अमेरिकी अधिकारी से बात की जो इसे बेहद ज़्यादा चिंताजनक बता रहे हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि दस्तावेजों में टॉप सीक्रेट दिखाया गया यानी कि ऐसे निशान इस पर बने हुए थे जो या तो अमेरिका या फिर उसके फाइव आइज़ के पास ही होने चाहिए अब फाइव आईज कौन है ये जानना ज़रूरी है इसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजीलैंड और ब्रिटेन आते हैं अब सवाल यह है कि लीक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें ऐसा है क्या तो इन दस्तावेजों में ईरान के खिलाफ हमले के लिए इसराइल की तैयारियों की जानकारी है एक दस्तावेज में कहा गया कि योजनाओं में इसराइल के द्वारा गोला बारूद को इधर उधर ले जाना शामिल है एक अन्य दस्तावेज के बारे में बताया गया कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से हासिल किया गया है इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े इसराइली वायुसेना के अभ्यास की रूपरेखा तक दी गई है अब अमेरिका हैरान और परेशान दोनों है इस बात को लेकर कि ये जो दस्तावेज हैं इन तक किसकी पहुंच थी हालांकि अभी ऑफिशियली इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है लेकिन एक बात तो तय है कि ये मामला अब बहुत भारी नतीजे ला सकता है जंग का रुख भी बदल सकता है वैसे ये भी हो सकता है कि ये किसी वॉर टैक्टिक्स का नतीजा हो या हिस्सा हो लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई है तो जाहिर है इसे कोई मानने के लिए सामने शायद ही आएगा इसके बाद भी क्या होगा यह बड़ा दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि इसराइल जिसे अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल बताया जाता है उसी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पेंटागन से रिपोर्ट लीक हो जाना और कथित रूप से वो रिपोर्ट जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारी को लेकर तैयार की थी इसके मायने बहुत ज्यादा गहरे हैं और यह एक प्रकार से दोनों के बीच आपसी भरोसे में बड़ी दरार के रूप में भी देखा जा सकता है लीक दस्तावेजों में बताया गया कि 8 से 16 अक्टूबर के बीच इसराइल की तीनों सेनाओं ने फाइनल ड्रिल की आखिरी चरण में एयरबोन वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम वाले विमानों और लड़ाकू जेट के साथ ड्रिल की गई जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को शामिल किया गया था इतना ही नहीं हवाई हमले के साथ जमीनी हमले की भी पूरी तैयारी कर ली गई थी और तो और प्रॉक्सी वॉर के लिए भी सोशल फोर्स तैयार की गई यह स्पेशल फोर्स बताई गई और भी बहुत कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया लेकिन एक अलग एंगल में इसमें नज़र आता है और वो है अमेरिका में होने वाले चुनाव जो बहुत जल्द होंगे तो क्या ये माना जाए कि इस रिपोर्ट को लीक करने के पीछे वहाँ होने वाले चुनाव एक बड़ा कारण हो सकते हैं और अगर ये रिपोर्ट लीक होती है तो जाहिर है इससे बाइडन प्रशासन पर भी इसराइली भरोसे के डगमगाने का खतरा पैदा होता है हालांकि असल बात अभी सामने नहीं आ पाई अमेरिका से खबर तो यही है कि इसमें अमेरिका चिंता में है और इसकी जांच करा रहा है यानी कि दस्तावेजों के सच होने या फिर फर्जी होने जैसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है न इसे कबूला जा रहा है न इससे इनकार किया जा रहा है उधर नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्ला की तरफ से ड्रोन हमले किए गए और उसने ये साबित कर दिया कि भले ही हिजबुल्ला के कमांडर्स को ढेर कर दिया गया हो लेकिन उसके पास लड़ने की ताकत और स्ट्रैटेजी दोनों मौजूद है हालांकि तीन में से दो ड्रोन गिरा दिए गए लेकिन एक ड्रोन नितनयाहू के घर पर हमला करने में कामयाब रहा तो क्या ये एक बड़ा सिक्योरिटी लीकेज नहीं है यानी कि जिस समस्या की बात इसराइल के लिए की जा रही है वो यही है कि उसके साथ मोर्चे पर नहीं बल्कि इससे ज्यादा मोर्चों पर जंग चल रही है लेकिन दिलचस्प बात क्या है दिलचस्प बात यह भी है कि नितनयाहू ने इस हमले के बाद वार्निंग हिजबुल्ला को जारी कर दी और साफ़ तौर पर कह दिया है कि उसने ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया और इसके नतीजे उसे भुगतने पड़ेंगे आने वाले दिनों में हालांकि इससे यह साफ़ हो गया है कि इसराइल कई मोर्चों पर सात से ज़्यादा मोर्चों पर जंग लड़ रहा है और फ़र्क इतना है कि इसराइल को इसकी ख़बर अभी अभी लगी जबकि दूसरी तरफ रूस ने यह साफ़ कर दिया है कि अगर इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका भी इसमें शामिल होगा और अगर शामिल होता है तो रूस भी ईरान के साथ मैदान में, में खड़ा मिलेगा जबकि नाटो देश तुर्की भी ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है सुरंग वाले वीडियो की हो रही है जिसमें याया सिन्वार अपने परिवार के साथ नजर आ रहा है जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता था उसे इसराइल की डिफेंस फोर्स ने मार गिराने का दावा किया और बताया गया कि जो वीडियो सामने आया वो उसके कुछ देर पहले का है जब उसे मार गिराया गया आईडीएफ ने ही इसे जारी किया जिसमें सिनवार अपनी बीवी और बच्ची के साथ नजर आ रहा है खबर तो यह भी मिल रही है कि सिनवार की डेड बॉडी का सौदा अब आई हमास के चंगुल में फंसे इसराइली बंधकों को छुड़ाने के लिए कर रही है क्योंकि जानकारी के मुताबिक हमास चीफ की मजार उसकी तरफ के लोग बनाना चाहते हैं और इसके बदले बंधकों को रिहा कराने की कोशिश में आईडीएफ लगी हुई है धन्यवाद